चार सालों में 213 वीडियोस डालने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि पीपल डू केयर। मुझे हमेशा लगता था कि नोबडी केयर्स फॉर एनीवन, स्पेशली ए ग्राफिक डिजाइनर मेकिंग वीडियोस ऑन क्रिएटिविटी। कौन ही देखेगा मेरे वीडियो? यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट कॉन्टेंट। और मेरा लास्ट वीडियो दो बार ब्लॉक हो चुका है, और उससे पहले किलिंग हैबिट्स में तो मजा नहीं आया, कॉमेंट्स पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया। बट लेसन लर्न्ड, आपको स्टाइल चाहिए तो अगली बार सिर्फ स्टाइल ही मिलेगा, भर भर के मिलेगा। कहते हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग द यूनिवर्स ट्राइज टू पुल यू डाउन। तो लास्ट फ्यू मंथ्स एट वर्क वर रियली डिफिकल्ट, बट लेटर आई केम आउट विद अ प्रमोशन। नॉट बैड राइट? इफ आई एवर वांटेड एनीथिंग इन माय लाइफ इट इज दैट कि अगर मैं एक कमरे में 10 लोगों के साथ हूँ, देन आई शुड हैव अ स्किल जो दूसरे 9 लोगों के पास ना हो। आई लर्न्ड मैजिक, आई लर्न्ड कॉन्टेंट क्रिएशन, आई लर्न्ड फिल्म मेकिंग, आई लर्न्ड स्टोरी टेलिंग। और मैं अपने आप को चाहे यूट्यूबर मानूँ या ना मानूँ, but no one can take the fact away that I am a freaking action hero। The whole point of me coming to YouTube was to step away from the rat race, but turned out YouTube is the biggest rat race there is, and filmmaking for YouTube with a full-time job is a different ball game altogether। और जहाँ तक रही मेरी consistent होने की बात, यार अब तो मैं चाह के भी YouTube नहीं छोड़ सकता। So can I revive my YouTube channel? Who knows? But I surely will not let you go.